अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं एक सैंपल दिखाता हूँ इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लो परफॉर्मेंस लैपटॉप में HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो और अगर आप गेम खेलते हो गेम को भी HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करना अच्छा होगा आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्री होगा और कोई वाटरमार्क भी नहीं आएगा और उसको सेटअप कैसे आप लोगों को करना है वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स को बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको इंस्टॉल कर पाएंगे और इसको सेटअप कैसे कर पाएंगे अभी यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों आपको कोई भी एक ब्राउजर खोलना होगा और उस ब्राउजर पर आपको सर्च करना होगा आउटप्लेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आउटप्लेट लिख दिया है, उसके बाद में आपको सर्च करना होगा। और दोस्तों ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा इसी आउटप्लेट स्क्रीन रिकॉर्डर से ही हो रहा है। तो इस वेबसाइट पर जैसे आप आएंगे यहाँ पर देखिए दिखाया है कैप्चर योर बेस्ट प्लेस विथ आउटप्लेट और यहाँ पर आएगा डाउनलोड नाउ। तो डाउनलोड नाउ पर आपको क्लिक करना होगा और नीचे में देखिए आउटप्लेट एप्लीकेशन का जो इंस्टॉलेशन फाइल है वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आपको इस आउटप्लेट एप्लीकेशन जो है स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। दोस्तों जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ से आपको देखिए राइट कॉर्नर पे यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस जैसे आते हैं तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर नाम के ऑप्शन पर तो आपके सामने में कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले इस स्क्रीन रिकॉर्डर को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखिए जो रिकॉर्डिंग हो रहा है मैं इसी स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहा हूँ, लेकिन इसको सेटअप कैसे करना होता है पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर ओपन सेटिंग्स ऑप्शन है, इस ओपन सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में कुछ इस तरह का आएगा। लेफ्ट साइड में आएगा स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कैप्चर माउस कर्सर अगर इसको आप इनेबल रखेंगे फिर आपका जो माउस कर्सर है वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाएगा, तो मैंने इसको ऑफ रखा है, ठीक है। उसके बाद में जो रिजोल्यूशन क्वालिटी है वो आपको कैप्चर सेक्शन पर दिखेगा। यहाँ पर देखिए वीडियो है और नीचे में है इसका क्वालिटी, यहाँ पर हाई है, कस्टम है, मीडियम है, तो मैंने हाई पर रख दिया है। और यहाँ पर देखिए 1080p फुल HD में है और 60fps में ये है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एडवांस ऑप्शन भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर ऑडियो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑडियो ऑप्शन जो है इसको सिस्टम साउंड जो है इसको ऑन रखना है, ठीक है, ताकि आपका सिस्टम में कोई भी आवाज़ दे वो भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद में कैप्चर माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है वो भी नीचे में है, यहाँ पर देखिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने कैप्चर माइक्रोफोन जो है इसको मैंने ऑन रखा है क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है तो फिर इसको डिसेबल रखना होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों नीचे में देखिए एडवांस ऑप्शन भी है। दोस्तों यहाँ पर जैसा सेटिंग्स मैंने बनाया है ऐसा सेटिंग्स आपको भी अगर आप चाहते हैं आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। और एडवांस ऑप्शन में जो है यहाँ पर देखिए सिस्टम साउंड कैप्चर ओनली द गेम, ये भी दोस्तों आपको ऑन रखना है। अगर आप गेम खेलते हो तो गेम के अंदर में जो आवाज़ होगा वो आवाज़ भी स्क्रीन रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सेटिंग्स होने के बाद में आपको फिर से स्क्रीन रिकॉर्ड ऑप्शन यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा और अगर और एक बार क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और स्टॉप भी होता है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स इस तरह से करने के बाद में जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे फिर इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको हो जाएगा। यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी मेरा ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्टॉप कर दूंगा तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।